हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है हमारा विटारा ब्रेजा पे, जो इसकी एसेसरीज आती है। एंड गाड़ी के मैंने इसका विटारा ब्रेजा का व्लॉग शूट कर चुका हूँ, बट उस समय कार में बैटरी नहीं लगी थी एंड उस समय गाड़ी नई थी, तो इस वजह से बैटरी नहीं लगी थी, तो मैं कुछ चीज़ें फंक्शंस आपको दिखा नहीं पाया था कि क्या ऐसा चेंजेस आए हैं गाड़ी में, हेडलैम्प्स कैसी इसकी दिखती हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज के वीडियो में दिखा दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड एक मैडम है, उन्होंने मुझे मेरी जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे कमेंट में किया था कि प्लीज़ आप ब्रेजा की जो एसेसरीज की वीडियोस हैं जो कंपनी की तरफ से लगती हैं उसकी वीडियो बना दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैम ने कहा है तो मैं बना देता हूँ। तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को भी क्या क्या एसेसरीज़ में पार्ट्स होते हैं, क्या क्या गाड़ी में लगे हुए हैं, क्या क्या कैसी दिखती है, तो वो सब मैं आप लोगों को वीडियो बता दूंगा। एंड गाड़ी के अंदर से मैं दिखा दूंगा कि गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ऐसा। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, भी मत जाइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड साइड में घंटी का ऑप्शन आ रहा होगा उसको प्रेस कर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। एंड अब पूरा ब्लॉग देखिए। तो गाइस, कुछ इस तरीके की आप लोगों को लाइट्स मिल जाती हैं यहाँ पे, डुअल चैम्बर प्रोजेक्टर्स हेडलैम्प्स मिल जाती हैं यहाँ पे, आप लोगों को देख सकते हो। स्ट्राइप्स में आपका इंडिकेटर्स मिल जाता है, नीचे आप लोगों को LEDs में फॉग लैम्प्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। बाकी अगर एसेसरीज़ की बाहर से बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को एसेसरीज़ का पूरा पार्ट दिख रहा है जो आप देख सकते हो। ये सब जो मतलब इसमें ग्राफिक्स लगे हैं वो आप लोगों के एसेसरीज़ के हिस्से हैं। ये फ्रंट में ग्रिल देख सकते हो, यहाँ पर एसेसरीज़ लगी हुई है, ठीक है। बाकी कुछ इस तरीके की फ्रंट लुक गाड़ी आता है, ठीक है। बाकी अलॉय व्हील्स में मतलब ये आपको मिलेंगे, ये एसेसरीज़ का ऐसा नहीं है। यहाँ पे साइड में क्लाइडिंग का आप देख सकते हो क्रोम फिनिश के साथ। एंड इसमें ये देख सकते हो ये जो सब लगा हुआ है ये सब आप लोगों को मिल जाता है, पूरा पूरा एसेसरीज़ का पार्ट आ जाता है। ये एसेसरीज़ का पार्ट आता है, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आएगा इसलिए प्लीज़ उसको इग्नोर ज़रूर करिएगा। बाकी कुछ इस तरीके के ये एसेसरीज़ का पार्ट्स आ जाता है, ठीक है। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा हो सके तो इसमें जितनी भी एसेसरीज़ लगी हुई हैं आपकी वो उसका प्राइस आपको बता पाऊँ, ठीक है। बाकी कुछ इस तरीके के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे एसेसरीज़ का पूरा पार्ट दिया हुआ है। पीछे से ये देख सकते हो ब्लैक में आप लोगों को एसेसरीज़ का पार्ट दिया हुआ है। एंड बैक लाइट जो आप लोगों को आती है वो कुछ इस तरीके की आती है। मैं दोनों चीज़ें आप लोगों को साथ ही में दिखाता जा रहा हूँ, गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं एंड साथ ही साथ एसेसरीज़, तो ठीक है। इनमें 2-in-1 वीडियो बन रही है ये। तो बाकी ये देख सकते हो LEDs में आप लोगों को टेल लैंप्स मिल जाती है, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बैक लाइट्स का ऑप्शन मिल जाते हैं, ये आपको एसेसरीज़ मिल जाता है। साइड में आपकी जो आपका सेफ्टी गार्ड लगा होता है, ठीक है। बाकी पीछे आप लोग कुछ इस तरीके का स्किड प्लेट जो मिलती है वो मिलती है इस तरीके की। यहाँ पे भी आप लोग पूरा एसेसरीज़ का पार्ट लगा हुआ मिल जाता है, ये पूरा एसेसरीज़ का पार्ट है, ठीक है। बाकी ये तो आपको गाड़ी में मिलता ही है जिसमें विटारा ब्रेजा लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे पूरा एसेसरीज़ का पार्ट आता है, ठीक है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एसेसरीज़ का पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी यही जो आपका एक जो ये जो रैपर चढ़ा हुआ है ये एसेसरीज़ का पूरा पार्ट आ जाता है, ठीक है। इधर भी आप लोगों को ब्लैक पियानो फिनिश में यहाँ पे कुछ इस तरीके का लगा हुआ मिल जाता है, ठीक है। साइड से गाड़ी देख लो एंड मैं एक पे पीछे दिखा देता हूँ आप लोगों को गाड़ी, ठीक है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें आप लोगों को एसेसरीज़ के पार्ट में आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि एसेसरीज़ में आप लोगों को क्या क्या मिलता है। एंड बाकी इसमें कुछ बाकी अब चलते हैं अंदर, ऐसा कोई बाहर मुझे लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। आप कुछ देख सकते हो रूफ रेल्स आई थिंक कुछ इस तरीके का है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलता है, ठीक है। भैया पहले ड्राइवर साइड ऑटो अप है, ठीक है, एंड ऑटो डाउन का भी ऑप्शन होगा बट हो नहीं रहा है, इसमें पता नहीं क्या है। तो अगर मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, पूरी सीट पीछे कर लेता हूँ, विटारा ब्रेजा में बैठ चुका हूँ, नई जो आपकी ZXi+ आती है उसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं बात करता हूँ भैया कि गाड़ी में क्या चेंजेस ऐसे मुझे दिख रहे हैं, तो भैया ऐसा गाड़ी के अंदर कोई चेंजेस नहीं मुझे दिख रहे हैं, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एसी वेंट्स की, तो एसी वेंट्स की डिज़ाइंस आप लोगों की बिल्कुल वही है जैसे आती है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। बाकी कुछ इस तरीके की है, अगर डैशबोर्ड में भी कोई ऐसा एक्सेसरीज नहीं लगी हुई है, ठीक है। बाकी अगर प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पे बीच में आप लोगों को यहाँ पे कूल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो नेक्सा इसमें प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। पता नहीं नेक्सा की गाड़ियाँ जो आती मारुति की उसमें प्रोवाइड नहीं होता है कूल्ड का बॉक्स, बट इसमें हो जाता है। तो बाकी नीचे आप देख सकते हो, ठीक है, कि ग्लो बॉक्स यहाँ पे भी आप लोगों को एक अच्छा मिल जाता है। ऊपर कूल्ड मिलता है, नीचे आप लोगों को वो मिलता है। तो हो सकता है मारुति ये करती है कि अलग अलग कंबाइंड, मतलब नहीं करती है, अलग अलग कर देती है ग्लो बॉक्स को। बाकी स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो लेदर स्टेज स्टेयरिंग व्हील आता है, एंड कुछ इस तरीके की आप लोगों को मीटर कंसोल इसका दिख जाता है कुछ इस तरीके से। बाकी लाइट्स के, मूड लाइट्स और के ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। बाकी वो सेटिंग मुझे यार मालूम नहीं है, ठीक से करनी आती नहीं है। आई थिंक मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, यार मुझे मालूम नहीं है कि यार मूड लाइट कैसे आती है, पता नहीं इसमें अब आती भी है कि नहीं आती। वैसे आती तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि अब उस चीज़ को हटा दे, क्योंकि वो बहुत अच्छी बेहतरीन चीज़ थी। तो बाकी अगर मैं अगर बात करता हूँ तो इधर से आपको नॉर्मली लाइट्स के पूरे पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर से आप लोगों के पूरे वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी आप लोग कुछ इस तरीके का मिल जाता है जो आपके मोड के, वॉल्यूम अप डाउन, नेक्स्ट प्रीवियस के बटन, वॉइस कमांड के पूरे पूरे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्रोम फिनिश थोड़ा दिख जाएगा जो कि आप लोगों को मिलता है इसमें एसेसरीज का मतलब ये नहीं है। बाकी आप लोगों को गाड़ी में क्रूज कंट्रोल पूरा पूरा मिल जाता है। अगर मैं टच की बात करूं, टच रिस्पांस की बात करूं, तो वही है, कोई ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं है। बाकी अगर नीचे ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको गाड़ी मिल जाती है, एंड ऐसा कुछ खास। अंदर एसेसरीज की बात करें जाए तो ये आप लोगों को एक मिल जाता है, नेक रेस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। एंड बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी गाड़ी ऐसी है नॉर्मली ऑटो डिमिंग के साथ आपको यहाँ पे गाड़ी प्रोवाइड हो जाती है। तो आई थिंक कि एसेसरीज अंदर तो इंक्लूड नहीं है। बाकी हाँ, अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स भी आप लोगों को जो हैं वो फैब्रिक में मिलती है, एंड इसमें भी कोई आप लोगों को कोई भी कस्टमाइजेशन या फिर कोई काम ऐसा हुआ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो गाड़ी आई थिंक ऐसी ही है। तो ये ज़्यादा वीडियो मैंने मतलब मेन इसीलिए मैंने दिखा दिया कि एसेसरीज ये आपको मिल जाती है। बाकी इसके ऊपर भी एसेसरीज मिल जाती हैं उनकी, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। इतना अच्छा व्लॉग नहीं बनाया आई नो, जानता हूँ, बट कोशिश अपनी पूरी करी कि मैंने जितने भी आप लोग एसेसरीज के पार्ट्स होते हैं कंपनी की तरफ से वो मिल जाते हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया, और मैं आपको इसका प्राइस आपको बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस ब्लॉग देखने के लिए।